जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, प्रदोष का व्रत, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये व्रत। और जो भी भक्त भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो इस व्रत के नियम का पालन करते हैं और बहुत शीघ्र उनके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी चाहिए कि आज के दिन भगवान शिव की, माता पार्वती की विधिवत पूजा आराधना करें। आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं भगवान भोलेनाथ से कहें, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपकी परेशानियां दूर हो, आपकी कामना पूर्ण हो। बहुत शीघ्र आज प्रदोष काल में की गई पूजा से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की तिथि के बारे में, प्रदोष व्रत के बारे में। इस बार प्रदोष की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत हमें किस दिन करना है और किस विधि से भगवान शिव की पूजा आराधना करें जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो, माता पार्वती प्रसन्न हो और हमारे जीवन की समस्त समस्याएं जो हैं वो दूर हो और कोई भी कामना हो, जिस भी कामना से आप ये व्रत कर रहे हैं वो आपकी कामना पूर्ण हो, उसके लिए आज विशेष आपको क्या करना चाहिए। तो ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, तो प्रदोष का व्रत करने से सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है, सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। और जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी का व्रत बहुत प्रिय है, इसी प्रकार से भगवान शिव को प्रदोष का व्रत बहुत प्रिय है। तो जब हम प्रदोष का व्रत करते हैं, भगवान शिव माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, बहुत शीघ्र भगवान भोलेनाथ की और माँ पार्वती की कृपा हमें प्राप्त होती है और हमारे मन की समस्त कामनाएं इनकी कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो प्रदोष व्रत में हमें पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो। दोस्तों, प्रदोष का व्रत अगर आप करते हैं, व्रत नहीं भी करते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहां आपका ईशान कोण मंदिर है वहां पर आप भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित कीजिए। अगर आप चाहें तो घर के मंदिर में ही जहां पर आपकी मूर्ति या प्रतिमा भगवान शिव की स्थापित है वहीं पर पूजा कर सकते हैं, या चाहें तो अलग से आप चौकी लगा लीजिए और उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान शिव की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करके पूजा कीजिए। अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो शिव परिवार की पूरी फोटो जो होती है, जिसमें कि पूरा शिव परिवार होता है, भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, इन सब की जो सम्मिलित पिक्चर होती है वो हमें स्थापित करनी चाहिए और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। कभी भी जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके समस्त परिवार की पूजा अगर करते हैं तभी हमारे मन की कामना पूर्ण होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो घर की नित्य पूजा करने के बाद अपने घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें, पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, या फिर अगर आपके पास ये चीजें उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ गंगा जल और जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान शिव की पूजा के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो होती है बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, अक्षत, पुष्प, सफेद नैवेद्य चाहिए। भोग लगाने के लिए आप कोई भी सफेद मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। ये सभी चीजें लेकर शिवालय जाइए, शिव का अभिषेक कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उन्हें ये वस्तुएं अर्पित करके अपने मन की कामना कहिए, बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। प्रातःकाल जब आप पूजा करते हैं तो आपको सबसे पहले संकल्प लेना है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो, कि आप आज प्रदोष का व्रत रखेंगे। और अगर आप किसी कामना के लिए इस व्रत को रख रहे हैं तो अपनी कामना भी सुबह ही भगवान शिव को कहिए और उनके सामने प्रार्थना करें कि बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो, आपकी समस्या दूर हो। इस प्रकार से व्रत की शुरुआत करें आप। पूरे दिन आपको व्रत रखना होता है, शाम के समय फिर से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष काल में भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती के साथ होते हैं,
तो वो बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और जब हम उनकी आराधना करते हैं तो बहुत शीघ्र हमें कृपा मिल जाती है। शास्त्रों का कहना है कि इस विशेष काल में यानी प्रदोष काल में भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में स्थापित होते हैं, शिवलिंग में विराजित होते हैं। तो जब हम शिव की पूजा प्रदोष काल में करते हैं शीघ्र ही उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो प्रदोष काल में पूजा आपको जरूर करनी है, चाहे आप व्रत करें या ना करें, इस समय का ध्यान रखें अगर आप शिव की कृपा पाना चाहते हैं। तो शाम के समय भगवान शिव की फिर विधि विधान से पूजा कीजिए, सभी प्रिय वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित कीजिए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, कपूर से आरती भगवान शिव की जाती है, प्रदोष व्रत की कथा पढ़ते हैं। इस समय में आप शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, सुबह भी शाम के समय भी शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं या शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। भगवान शिव के मंत्र का जाप करें और भगवान शिव की पूजा आराधना करें, शीघ्र ही आपके मन की कामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों ये जो व्रत होता है प्रदोष का, विशेषकर संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, लेकिन आप किसी भी कामना से जब इस व्रत को करते हैं तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। अब जान लेते हैं कि प्रदोष का जो व्रत है उसमें किस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए प्रदोष के व्रत में निर्जल या फलाहार ये अपने ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो इस व्रत को निर्जल भी बहुत से लोग रहते हैं और बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूरी तरह से सक्षम नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो फलाहार के साथ यानी कि दिन में आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, इस प्रकार से फलाहार के साथ आप इस व्रत को कर सकते हैं। शाम के समय आप चाहें तो मीठा भोजन ग्रहण कर सकते हैं, जो प्रसाद आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं करते हैं उसमें से ही आप ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शाम को भोजन नहीं करते हैं तो बहुत से भक्त ऐसे हैं जो पूरे दिन व्रत रहते हैं और शाम के को भी वो अन्न नहीं लेते हैं, सिर्फ फलाहार खाते हैं। अगले दिन यानी अगले दिन सूर्योदय के बाद वो स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, भक्त अपने अपने तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं। आपने जिस भी तरीके से इस व्रत की शुरुआत की है उसी प्रकार से आपको व्रत का नियम पालन करना चाहिए। इस व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आप शाम को अन्न लेते हैं, भोजन करते हैं, तो आपको मीठा भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। आप हलवा बना सकते हैं या हलवा पूड़ी या फिर भगवान को जो हम खीर अर्पित करते हैं शाम के समय चावल की, उस खीर का भी आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए शाम को भगवान शिव को पूजा में खीर अर्पित करने से, खीर से भगवान शिव का अभिषेक करने से, उन्हें भोग में खीर अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी कामना है भगवान शिव की विधिवत पूजा करें, उनको भोग में खीर अर्पित करें, चावल और दूध की खीर बनाएं, चीनी डालें, उसमें अच्छे से मेवे डालें, केसर उसमें डालें, भगवान शिव को अर्पित करें, विधिवत पूजा के बाद अपने मन की कामना कहें, बहुत शीघ्र भगवान शिव की कृपा मिल जाती है अगर आप हर प्रदोष के व्रत के दिन ये उपाय करते हैं। तो जब भगवान शिव की पूजा हम करते हैं पूरे नियम से करना चाहिए। अब जानते हैं कि प्रदोष की तिथि कब है, व्रत हमें कब करना है। दोस्तों इस बार जो प्रदोष का व्रत है बुधवार के दिन होगा, 21 जुलाई को ये तिथि प्रारंभ हो रही है शाम को 4:26 पर और समाप्त हो रही है 22 जुलाई को दोपहर में 1:32 पर। तो देखिए उदया तिथि हमें 21 जुलाई को नहीं मिल रही है, लेकिन जो प्रदोष काल की पूजा होती है प्रदोष व्रत में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल हमें 21 जुलाई को ही मिल रहा है जो कि बुधवार के दिन है। तो शाम को यानी कि प्रदोष काल में जब हम भगवान शिव की पूजा करेंगे तो वो 21 जुलाई को करेंगे। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:18 से लेकर रात्रि 9:22 पर। इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा आराधना भगवान शिव की करनी है, माता पार्वती की करनी है, और बुध प्रदोष है तो गणेश जी की पूजा आपको आज जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा आप विधि विधान से करें। आज आपको गणेश जी की पूजा में 8 आंकड़े के पुष्प अर्पित करने चाहिए। 8 आंकड़े के फूल जो सफेद पुष्प होते हैं या दूसरे जो पुष्प होते हैं उन्हें भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको सफेद ना मिले तो आप दूसरा जो आंकड़ा होता है जिसमें थोड़ा सा लाल कलर भी मिक्स होता है आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं। आंकड़े के 8 फूल भगवान गणेश जी को अर्पित करें। उनके सामने आपको मोदक या लड्डू का भोग अर्पित करना है। आप एक पान के पत्ते पर 5 सुपारी और 5 इलायची रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। बहुत शीघ्र भगवान गणेश की कृपा से आपके मन की कामना पूर्ण होगी। आज बुध प्रदोष है तो हरे वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। गाय को हरा चारा आज जरूर खिलाना चाहिए। गाय को हरा चारा देने से धन लाभ होता है और अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार से बुध ग्रह खराब है तो वो ठीक अवस्था में आ जाते हैं, शुभ फल आपको प्राप्त होता है।
इससे आपके व्यापार में और शिक्षा में भी वृद्धि होती है। आज के दिन आप जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, माता पार्वती की पूजा विधि विधान से कीजिए। शिव और शक्ति की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो स्त्रियों को, अगर आप प्रदोष का व्रत कर रही हैं, तो आज आपको चाहिए कि माँ पार्वती को आज सिंदूर अवश्य अर्पित करें। और माँ पार्वती की पूजा में आप लाल चुनरी अर्पित कर सकती हैं, सुहाग की सामग्री उन्हें अर्पित कर सकती हैं। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति पत्नी के रिश्ते बहुत मधुर होते हैं। तो ज़रूर आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से पति पत्नी के रिश्तों में तनाव है, तो माँ पार्वती की पूजा प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में विधि विधान से करें। लाल पुष्प उन्हें गुड़हल का या गुलाब का अर्पित कर सकते हैं। जो सुहाग की सामग्री आप माँ पार्वती को अर्पित करते हैं, तो आप उसका प्रयोग चाहे तो स्वयं भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो किसी सुहागन स्त्री को आप वो वस्तुएं दान कर सकते हैं। अपने परिवार की ही कोई स्त्री को अगर आप देना चाहते हैं, तो उन्हें भी दे सकते हैं, या आप स्वयं भी उसका प्रयोग कर सकते हैं माँ पार्वती का प्रसाद मानकर। तो विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की, गणेश जी की पूजा कीजिए। बहुत शुभ है इस बार का जो प्रदोष व्रत है, बुध प्रदोष है, भगवान गणेश की पूजा से भी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।